जो भगवान सम्यक संबुद्ध अरहन भगवान के द्वारा भली भांति आख्यात धर्म और भगवान का श्रावक संग जो ठीक प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं, उन भगवान बुद्ध धर्म और संघ की यथोचित सत्कार से वंदना करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। भगवान सादर पूर्वक दी गई हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार करें हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। मैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध का अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा आख्यात धर्म को नमन करता हूँ। भगवान के मार्ग को भली भांति प्रतिपादित करने वाले संघ को नमन करता हूँ। आए हम भगवान की प्रारंभिक वंदना करें। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। उन अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार। आए हम भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करें। भगवान बुद्ध की ऐसी कीर्ति प्रचारित है, ऐसे हैं अरहंत सम्यक संबुद्ध भगवान, ज्ञान और आचरण से सर्व संपन्न, सुगत लोक ज्ञाता, मनुष्यों को अनुपम कुशल सारथी की भांति संयमित करने वाले, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। आए अब हम भगवान बुद्ध के गुणों का पाठ करें। भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ अरहंत हैं और उत्तम गुणों से युक्त हैं, जो शुद्धता अति उत्तम प्रज्ञा एवं करुणा के पुंज हैं, जिन्होंने समझदार मनुष्यों की बोधि जगाई जैसे सूर्य कमल खिलाता है, मैं उन अहिंसक जिन का सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध जो सभी प्राणियों की उत्तम शरण है, मैं उनका पहली अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्ता हैं। मैं भगवान बुद्ध को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और मैं श्रद्धा से भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से भगवान के मार्ग पर मेरी प्रगति हो। और भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने अर्जित किए हैं एवं उन महर्षि के तेज से मेरी सारी बाधाएं दूर हों। नमन करते हुए पढ़ेंगे। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने भगवान बुद्ध के प्रति दुष्कृत्य किए हैं, भगवान उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, जिससे भविष्य में मैं संयमित रहूं। आए अब हम धर्म का अनुस्मरण और वंदना करें। जो धर्म भगवान ने भली प्रकार से समझाया है, स्पष्ट दिखाई देने वाला है, कालातीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करने वाला है, अंतर्मुखी करने वाला है, प्रत्येक प्रज्ञावान को स्वयं अनुभव होने वाला है। आए अब हम धर्म के महान गुणों का पाठ करें। भली प्रकार से आख्यायित होने के कारण ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मार्ग और फल पर्यत्ति और मोक्ष दो आयाम हैं। जो धर्म को धारण करते हैं वह उनको नीचे लोकों में गिरने से बचाता है। मैं अंधकार को हटाने वाले इस धर्म की वंदना करता हूँ। ये धर्म सभी प्राणियों को शरण और उत्तम सुरक्षा प्रदान करता है। उस धर्म की दूसरी अनुस्मृति के रूप में मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। दास हूँ और धर्म मेरा श्रेष्ठ स्वामी है। मैं धर्म को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और धर्म की वंदना करते हुए धर्म के मार्ग पर भली प्रकार चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, धर्म ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा के धर्म पर आगे बढ़ूँ और धर्म की वंदना करते हुए जो मैंने पुण्य अर्जित किए हैं
एवं उन महर्षि के तेज से मेरे सारे संकट दूर हो। अब नमन करते हुए पढ़ेंगे, मान वचन और काम से जो भी धर्म के प्रति मैंने दुष्कृत्य किए हैं, धर्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे भविष्य में मैं संयमित रहूं। आइए अब हम संघ का अनुस्मरण करें। भगवान के श्रावक संघ जो कि भली भांति मार्ग पर चल रहे हैं, सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं और सही प्रकार से चल रहे हैं, जो ये चार युगल आठ प्रकार के आर्य हैं, ऐसे भगवान के श्रावक संघ हैं। वे भेंट देने योग्य हैं, आतिथ्य के योग्य हैं, दक्षिणा देने के योग्य हैं और नमस्कार के योग्य हैं। भगवान के संग इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र हैं। आए अब हम संघ के महान गुणों का पाठ करें। सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त संघ मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है। जो आठ आर्यों का श्रेष्ठ संघ है, जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त हैं, उस शुद्ध आर्य संघ को मैं वंदन करता हूँ। जो संघ सभी प्राणियों की उत्तम शरण है, उस संघ की तीसरी अनुस्मृति के रूप में मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं संघ का दास हूँ और संघ मेरे श्रेष्ठ स्वामी हैं। मैं संघ को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संघ की वंदना करते हुए संघ के भली भांति प्रतिपादित मार्ग पर चलूँगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, संघ ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। मेरे इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्त्रा के धर्म में आगे बढ़ूं और संघ की वंदना करते हुए जो मैंने पुण्य अर्जित किए हैं एवं उन महर्षि के तेज से मेरे सारे संकट दूर हों। अब फिर नमन करते हुए पढ़ेंगे, मन वचन और कर्म से जो भी मैंने संघ के प्रति दुष्कृत्य किए, संघ उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, जिससे भविष्य में मैं संयम